मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम मेमोरियल पहुंचकर झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। सीएम भूपेश ने कहा कि आज झीरम घाटी की घटना को घटित हुए 10 वर्ष हो गए। जब भी 25 मई आती है हम सबका दिल भर जाता है। गौरतलब है कि झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों सहित कई जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री ने डिंडोरी जिले में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन और रजत जयंती समारोह के अवसर पर डिंडोरी नर्मदा यात्रा पर आधारित वेबसाइट का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले की जनपद पंचायत पहुंचकर राणापुर और झाबुआ तथा छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बाड़ीगढ़ गौरीहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि विवाह बंधन में बंध रहे पर वधु दोनों को हृदय से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं सबसे पहले अपनी भांजियों को, वर और वधु दोनों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। वो सुखी रहें, वो निरोग रहें, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो और दोनों परिवारों का नाम वो रोशन करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परिणाम गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बोर्ड ऑफ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जारी किया। इस साल 10वीं का रिजल्ट 63.29% रहा, जो पिछले साल से 3.75% ज्यादा है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी। टॉप 10 में 254 स्टूडेंट आए हैं। प्रथम पर एक है श्री अनुज कुमार ठाकुर, शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमार खेड़ा होशंगाबाद। दूसरे नंबर पे कुमारी श्रद्धा विनोद कुमार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दथारा मुरैना। तीसरे नंबर पर है श्री सत्यम साहू, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीर सिंहपुर सतना। ऐसे इसमें ये तीन हमारे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान उन्होंने आए हैं। अपने विवादास्पद कारनामों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताने वाले दिग्विजय सिंह ने अपनी बैठक से बुरहानपुर कांग्रेस के ग्रामीण अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबरार मंच को ही भगा दिया और जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबरार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अन्य नेताओं के साथ मंच पर बैठना चाहते थे, जबकि दिग्विजय सिंह ने उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा। इस बात पर दोनों में नोकझोंक हो गई और इस पर ही कांग्रेस ग्रामीण अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबरार दिग्विजय सिंह की बैठक से नाराज होकर चले गए। ये क्या यूथ कांग्रेस का है? हाँ, उधर बैठो, इधर बैठो, नहीं जल ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ये क्या फॉर्मेट है, क्या बात करते हो तुम, ये काजी क्या होते हैं, इस तरह करोगे तो नहीं कैसे लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बड़वाह के पास नव निर्मित वेयर हाउस के मामले में नौकरशाहों की कारगुजारी का अनोखा कारनामा सामने आया है। सहकारिता विभाग ने हाईवे के बीचों बीच एक बड़ा वेयर हाउस बना डाला और तो और इस वेयर हाउस के निर्माण की जानकारी किसी को प्रशासनिक अधिकारी तक को नहीं दी। जब इस वेयर हाउस के लिए भूमि पूजन पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने किया था। गौरतलब है कि वेयर हाउस का निर्माण सहकारी विभाग ने 72 लाख की लागत में किया था, जिस पर अब प्रशासन बुलडोजर चलाकर तोड़ देगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें बाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई है। कुछ समय पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। पूरे देश के अंदर जिस तरह से हजारों लोग बागेश्वर जी महाराज के प्रवचन में आते हैं, हमारी दायित्व तो है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। जिस तरह से बिहार का भी हमने वातावरण देखा और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाई कैटेगरी की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी।
इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के पास विवादित पर्चे को कुछ लोगों के द्वारा बांटा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हुई एक महिला ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस में आवेदन दिया। इस पर पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को महिला ने एक पर्चा भी सौंपा है। उस पर्चे में RSS और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों की कई तरह के आरोप भी लगे हैं। पर्चे में RSS और बजरंग दल जैसे संगठनों पर वर्ग विशेष की लड़कियों को बरगलाने की बात कही गई है। कल ही इस प्रकरण में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे CCTV फुटेज जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि नहीं ये पर्चे फेंके। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो गई है। इस साल नौतपा का स्वागत आंधी बारिश ने किया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जून के पहले हफ्ते तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। इसके चलते इस साल नौतपा के तेवर ठंडे ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, चंबल, मालवा, सागर संभाग में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में बने चक्रवात से प्रदेश की तरफ नमी आ रही है, इसके चलते बारिश हो रही है।